जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम लिमिट की एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक एग्जांपल डिस्कस की है। अब उसी का सेकंड पार्ट है, उसी एग्जांपल का सेकंड पार्ट है, लिमिट ऑफ 1 प्लस 2 एच व्हेन लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 रेज टू द पावर 1 बाय एच। इसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसको फाइंड करने के लिए हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था, वो यूज करेंगे एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अच्छा जी, उसकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू ई आना चाहिए, ठीक है। इसमें भी वही है कि आपकी जो अप्रोच है, जो वैल्यू है, वो 0 को अप्रोच करनी चाहिए और 1 के अलावा जो भी टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल पावर में आना चाहिए, तो तब वो ई के इक्वल आएगा, ठीक है। तो जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने इसी तरह की एक रिजल्ट था पिछला, वो हमने यूज किया, तो इस एग्जांपल में भी इसी तरह का एक रिजल्ट जो है हमारे पास है, हम ये यूज करेंगे। और रिजल्ट में क्या आपने याद रखना है कि 1 के अलावा जो भी टर्म है उसका रेसिप्रोकल ऊपर बनना चाहिए पावर में, तब जाके वो ई के इक्वल होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इसी रिजल्ट को यूज करने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2 एच, 2 एच का रेसिप्रोकल जो है वो 1 बाय 2 एच आएगा। अब पावर आपने खुद ऐसे रखनी है कि सॉल्व करने के बाद वापस क्वेश्चन आ जाए। तो पावर क्या है, 1 बाय एच, और इधर 1 बाय 2 एच है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, आपको देख 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 एच, तो ये देखिए दोनों कैंसिल होके वापस एक्चुअल जो हमारे पास पावर थी 1 बाय एच वो आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस रिजल्ट में क्या एक्स उसका रेसिप्रोकल पावर में, तो इधर क्या है 2 बाय एच उसका रेसिप्रोकल पावर में। तो ये बेसिकली किसकी इक्वल आ जाएगी, ये ई की इक्वल आ जाएगी और पावर जो 2 है वो एज इट इज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सिंपल सी एग्जाम्पल्स थी जो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जी हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है जिसको सैंडविच थ्योरम कहते हैं, द सैंडविच थ्योरम, द सैंडविच थ्योरम। अच्छा जी, सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट पहले देखेंगे कि स्टेटमेंट है कि लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस सच दैट, बी फंक्शंस सच दैट, सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल नंबर्स एक्स, फॉर ऑल नंबर्स एक्स इन सम ओपन इंटरवल, इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी कंटेनिंग सी, सी से मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी इट्सेल्फ, एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी इट सेल्फ, ठीक है। तो अगर हमारे पास लेट से जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास तीन कुछ इस तरह से फंक्शंस होने चाहिए जिसका आपस में ये वाला रिलेशन होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स, या आप कह सकते हैं कि एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है।
और इसमें क्या हो, फॉर ऑल नंबर एक्स इन सम ओपन इंटरवल, के एक्स हमारे पास एक इंटरवल होना चाहिए जो कि ये जो रिलेशन है ना, ये उस इंटरवल की तमाम वैल्यूज के लिए होना चाहिए, और उस इंटरवल में एक सी होना चाहिए एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी, सी के अलावा बाकी उस इंटरवल की तमाम वैल्यूज के लिए ये जो रिलेशन है ये इसी तरह से सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक हो गया, ये यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्या है जी, इफ इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल, देन देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल की इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर ये जो आपको एक्सट्रीम लेफ्ट पे वैल्यू नजर आ रही है, अगर इसकी लिमिट जो है वो एल है, और जो एक्सट्रीम राइट पे जो आपको फंक्शन नजर आ रहा है उसकी वैल्यू भी एल है, तो दरम्यान में चूंकि जी एक्स सैंडविच हो रहा है तो इसकी लिमिट भी क्या होगी, एल ही होगी। कहने का मतलब इसमें ये है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको अब यूज क्यों करते हैं कि यहां हम लिखेंगे कि मैनी लिमिट्स प्रॉब्लम अराइज दैट मैनी लिमिट्स प्रॉब्लम अराइज दैट मैनी लिमिट्स प्रॉब्लम अराइज दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली इवैल्यूएटेड कैन नॉट बी डायरेक्टली इवैल्यूएटेड। मतलब ऐसे बहुत सारी लिमिट प्रॉब्लम हो सकते हैं या होंगे जो कि जिनकी लिमिट डायरेक्टली फाइंड नहीं की जा सकती, तो बाय अलजेब्रा वैसे हमने ये सीखा हुआ है ना कि हम लिमिट क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से उसकी लिमिट नहीं आती, मतलब 0/0 आंसर आ रहा था, तो हम अलजेब्राइक टेक्निक्स अप्लाई करते थे ना, वो भी हमारे पास एक तरीका है, पिछले लेक्चर्स में आप वो चीज सीख चुके हैं। ठीक है, तो उस केस में फिर हमारे पास क्या होता है कि उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सैंडविच थ्योरम है ना, हम इसको यूज करके उस फंक्शन की जो लिमिट है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसी सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हम ड्रॉ करेंगे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।